हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूँ संगीता और आपका स्वागत है मेरी चैनल मी एंड माय ट्विंस में। आज मैं बना रही हूँ सैंडविच बच्चों के टिफ़िन के लिए, तो ये मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो पोटैटो सैंडविच बना रही हूँ, उसके लिए सबसे पहले मैंने आलू यहाँ बॉईल करके ले लिया है, उसका छिलका उतार के, और इसमें डालने के लिए मैंने प्याज, अदरक लहसुन का पेस्ट और ये हरा धनिया। बहुत ही कम चीज़ों से बहुत ही क्विक बनने वाली ब्रेकफास्ट है, टिफ़िन रेसिपी है, तो इसको ज़रूर ट्राई करें। तो यहाँ मैंने एक कढ़ाई गरम कर लिया है। अब इसमें मैं थोड़ा सा तेल डालूँगी। इस आलू को जब तक हम लोग मैश कर लेंगे नमक डाल के, मैं इसी में नमक डाल के इसको अच्छे से मैश कर लूँगी। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ मैंने ये आलू मैश करके ले लिया, इसमें मैंने नमक डाल दिया। अब ये तेल हमारा यहाँ पे गर्म हो गया, इसमें थोड़ा सा जीरा डालूँगी। आप चाहे तो इस मिश्रण में मटर भी ऐड कर सकते हैं या फिर कोई हरी सब्जी भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे प्लेन पोटैटो बना रही हूँ और मटर मेरे बच्चों को ज़्यादा पसंद नहीं आता और मैं उनके टिफ़िन के लिए बना रही हूँ, तो मैं यहाँ पे सिर्फ प्याज और अदरक लहसुन से ही बनाऊँगी। तो ये हमारा जीरा है जो तड़क गया है, अब इसमें मैं ये प्याज डालूँगी। प्याज हल्का सा भून गए, फिर ये अदरक लहसुन का पेस्ट, बच्चों के टिफिन में जब कुछ समझ में नहीं आए तो ये बहुत ही आसान ही रेसिपी है, तो ये बहुत ही जल्दी बन जाता है। यहाँ हमारा प्याज, अदरक लहसुन ये सब भून रहा है, इसी में हम लोग थोड़ी सी हल्दी डालेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे, थोड़ी सी हल्दी डाल के हम हल्दी को भी भून लेंगे। इसमें मैं हरी मिर्ची डालना भूल गई थी, तो थोड़ा सा मैं हरी मिर्ची डालूंगी। आसुन ज़्यादा स्पाइसी नहीं खाते हैं, तो मैं उनके अकॉर्डिंग, ये बिना तीखी वाली मिर्ची है, इससे बस टेस्ट आएगा, तीखा नहीं लगेगा, तो मैंने इसको आधा यहाँ पर ले लिया है। फिर यहाँ मैं छोटा सा, थोड़ा सा, आधा चम्मच जैसा जीरा पाउडर डालूँगी टेस्ट के लिए, बस ये ऑप्शनल है। और फिर ये करने के बाद, फिर इसमें ये भुन गया अच्छे से हमारा प्याज लहसुन, इसमें ये जो आलू हमने मैश करके रखा है इसको डाल देंगे और फिर इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। इसमें हम लोग जो धनिया काट के रखे थे वो भी ऐड कर देंगे और सब अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये देखिए हमारा ये जो आलू का फिलिंग है वो भी लगभग तैयार हो चुका है। इसको अच्छे से चला के, इसको छोड़ना नहीं है, लगातार चलाते हुए 1-2 मिनट तक भून लेंगे। उसके बाद ये हमारा आलू का फिलिंग रेडी है। यहाँ गैस हम लोग बंद कर देंगे, ये हमारा रेडी हो गया। देखिए ये हमने आलू का मिक्सर तैयार कर लिया है, जो फिलिंग है हमारा सैंडविच का। और यहाँ मैंने एक तवा गरम कर लिया, अब ब्रेड में हम लोग ये फिलिंग को भरते जाएंगे। आप इस मसाला को और भी स्पाइसी बना सकते हैं, मैं बच्चों के हिसाब से बनाई हूँ, तो बहुत सारा मिर्ची नहीं डाली हूँ, या फिर आप लाल मिर्च पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, हरी मिर्ची और ऐड कर सकते हैं। मैंने सिंपल सा बनाया है बच्चों के खाते, बच्चों के टिफ़िन के लिए। फिर इसको ऐसे लगा देंगे और फिर तवा पे रख देंगे। अब मैं यहाँ तेल से बना रही हूँ, आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो घी से भी बना सकते हैं, बटर से भी बना सकते हैं, जब तक वो हो रहा है जब तक हम लोग दूसरा यहाँ पे ऐसे लगा लेंगे।
ये बहुत ही क्विक रेसिपी है, क्विक ब्रेकफास्ट, बच्चों को आप टिफिन में आसानी से फटाफट बना के दे सकते हैं। तो ये हमारा, इसको अच्छे से प्रेस करके सेक लेंगे ताकि हमारा जो ब्रेड है ये अच्छे से क्रिस्पी हो जाए। मैं तवा पे बना रही हूँ, आप चाहे तो सैंडविच मेकर पे भी इसको बना सकते हैं। मेरे पास है सैंडविच मेकर, लेकिन अभी मैंने तवा पे ही, आसान लगता है मेरे को झटपट बनाना, तो मैंने इस पे ही बस सेक लिया है। इसको दोनों तरफ से पलट के अच्छे से दबा दबा के सेक लेंगे। तो ये हमारा सैंडविच तैयार है। तो दूसरा हम लोग रख देंगे, थोड़ा सा ऑयल डालेंगे इसके ऊपर, इसको प्रेस कर देंगे ताकि आलू बीचों बीच अच्छे से चिपक जाए। फिर इसको हम लोग ऐसे बीच से कट कर लेंगे ताकि इसका शेप अच्छा आ जाए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा सैंडविच, पोटैटो सैंडविच रेडी है। आप इसमें वेजिटेबल भी ऐड कर सकते हैं, और टोमेटो या फिर कैप्सिकम, पीस, कुछ भी इसमें ऐड करके आप बना सकते हैं। पोटैटो के जगह वेजिटेबल भी डाल सकते हैं। तो ये हमारा पोटैटो सैंडविच रेडी है। इसको आप हरी चटनी के साथ या फिर रायता के साथ या फिर सॉस के साथ, किसी के साथ भी इंजॉय करें। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही क्विक रेसिपी है, जो आप बच्चों को टिफ़िन में दे सकते हैं, खुद भी ब्रेकफास्ट में खा सकते हैं। सो ये वीडियो आपको कैसा लगा, ये रेसिपी आपको ज़रा से भी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि मेरा जो नोटिफिकेशन है आपके मोबाइल पे अपडेट होता रहे। और लाइक और शेयर भी करना ना भूलें फ्रेंड्स। सो थैंक यू सो मच।